कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? कांग्रेस मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के कांग्रेस भयभीत है मोदी जी की लोकप्रियता से, और इसलिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू बातें करके अपना काम चला रही है। मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी कह सकते हैं और उनको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब देखना कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जो रावड़ी मानसिकता के लोग होते हैं वो और किसी से किसी की तुलना कर ही नहीं सकते। जन आक्रोश यात्रा पूरी तरह फेल है, कहीं दिख नहीं रही है, आदमी भी नहीं है, आक्रोश भी नहीं है, यात्रा भी नहीं है। जिस तरीके से जगह गई है तोमर साहब, आपको पता था वजह आपका नाम होगा, क्योंकि ये आप लोगों के नाम भी बात कर रहे थे, आपका ही नाम सिलेक्ट हो गया। आपको अंदाजा स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी है। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने, उसमें और भी लोग हैं क्या, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं और भी अभी थोड़ा आगे देखो।